अगर कसमें सच्ची होती तो सच्ची मुच्ची सबसे पहले कौन मरता? अरे जिसकी कसम खाते हैं वही तो। अगर कसमें सच्ची होती तो सबसे पहले खुदा मरता। हम कसमें क्यों खाते हैं? किसी का प्यार जताने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए, किसी के सामने अपने आप को सच साबित करने के लिए, रिश्ते में भरोसा कायम करने के लिए। उफ़, कितने सारे कंडीशंस हैं, हम कसमें खाते हैं। हाँ, और दूसरी भी पॉजिटिव चीज़, कसमें खाने से वेट नहीं बढ़ता। सो सिंपल, मेक इट ईजियर टू योर सेल्फ। हाय, मैं हूँ आरजे जिया आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, जैसे हम सब अभी फुर्सतों के साथ इश्क फरमा रहे हैं, हमारा घर भरा भरा सा है, वक्त अपना अपना सा है, लेकिन स्टिल आज का जो टॉपिक है, शायद मेरी बात के साथ आप ज़रूर अग्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास फुर्सतें हैं पर हम खुद को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं इन फुर्सतों के साथ। खुद से बातें करना आज का टॉपिक है। आप खुद से बातें करते हैं? शायद आज तक ये सवाल आपको किसी ने नहीं पूछा होगा। इसलिए तो आज का मेरा टॉपिक ये है और सवाल भी, क्या आप खुद से बातें करते हैं? हम अक्सर दूसरों के साथ बातें करते हैं ताकि शेयर करने से हमारा जी हल्का हो जाए, हालांकि इसका कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है। मैं अक्सर ये मानती हूँ कि जब आप किसी के साथ बातें शेयर करते हैं तो उस बात का रंग, उस राज की तासीर बदल जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से बहुत अच्छा सा फील करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को बातों के दौरान किसी को दे दिया है। आप जब किसी से कुछ भी शेयर करते हैं ना, तो उस चीज़ का अलग ही रंग हो जाता है। पर जब आप खुद से बातें करते हैं तो आपका खुद के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है, ये मैं मानती हूँ। अब इसका एक सिंपल सा तरीका है और सिंपल सा जरिया है कि हम अक्सर दूसरों के साथ जब बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे अपना कम्युनिकेशन रखें, ऐसे अपनी बातें रखें ताकि सामने वाले को हम इम्प्रेस कर पाए। पर कब लास्ट टाइम आपने खुद को इम्प्रेस किया था? यस, वो कौन सी घड़ी थी जब आपने खुद को इम्प्रेस किया था, जब कुछ अच्छा किया था आपने, जब आपके सक्सेस में कुछ कामयाबी के नए नए हीरे जड़े थे, तब क्या आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया था? खुद को अप्रिशिएट करना इट्स एन आर्ट। कोई फिर आपकी कितनी भी तारीफ करे, लेकिन जब तक आपने खुद को अप्रिशिएट नहीं किया तब तक उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, जिया ये तो घमंडी होने की निशानी है, सेल्फिश होने वाली बात है। चलो एक कहानी सुना दी हूँ आज। एक भाई रास्ते पे जा रहे थे चलते चलते, और कुछ मुंह में है ऐसे खाने की एक्टिंग करते करते, जैसे कुछ फांक रहे हैं ऐसे एक्टिंग करते करते चले जा रहे थे अपनी ही धुन में। अचानक सामने उनको अपना एक बहुत पुराना दोस्त मिलता है। दोनों अपने आप को हाई हेलो कहते हैं और फिर वो दोस्त यानी इंसान को पूछते हैं कि क्या खा रहे हो, क्या फांक रहे हो? तो वो कहता है कि सिंग चने खा रहा हूँ। दूसरा दोस्त बोलता है हाथ में ऐसे देखे कि तेरे हाथ में तो है नहीं सिंग चने। तो फिर वो बोलता है मन ही मन में फाका ले रहा हूँ। तो फिर वो दोस्त कहता है अगर मन ही मन में फाका ले रहा है तो सिंग चने क्यों खाता है, काजू बादाम के फाके मार। मतलब अगर एक्टिंग ही कर रहे हो तो अपने स्टैंडर्ड की करो ना। कभी कभी खुद को भी ऐसा फील कराना बहुत जरूरी है। दोस्त, सारा खेलना विचारों का है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेगेटिविटी होती है और ये हमारे दिमाग को बहुत सड़ा देती है। मैं मानती हूँ सड़ने से अच्छा है लड़कर उस पर जीत हासिल हो। अब जो मैं सवाल आपसे करूंगी, आप मेरे साथ 1,01,000 अग्री करेंगे, क्योंकि जब हम नेगेटिव विचार करते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल खुद से और खुद को भी कह देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बार बार कहते हैं ये कैसा टाइम चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, 2020 क्यों आया, डायरेक्ट 2019 से 21 चले जाते तो कितना अच्छा था। कितने नेगेटिव हो जाते हैं ना लोग और क्या क्या सोचते हैं। खुद से बातें करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो नेगेटिविटी है आप उसे फाइट कर पाते हो फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जब हम खुद से बातें करते हैं और वो नेगेटिव बातें हो, जैसे कि मैंने लिस्ट बनाया है लोग कैसे कैसी बातें करते हैं, कितना बुरा वक्त चल रहा है, ये मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे पता है ये मेरी जॉब का आखिरी महीना है, मेरा बॉस मेरे साथ हमेशा ऐसे खराब ही बिहेव करता है, मेरे बारे में कभी कोई अच्छा नहीं सोचता, मैं कितना भी करूँ ना कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरा मिसयूज़ करते हैं। ये तो ठीक है, कितने लोग तो ये भी अपने आप को बोलते हैं मेरी तो शक्ल ही खराब है, मेरे बाल कभी अच्छे होते ही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। बोलो बाय गॉड, मतलब तुमने इसमें भगवान को भी चैलेंज दे दी है। यह किसने दिया आपको अपने आप के साथ इतनी घटिया नेगेटिव बातें करने का? तुमको भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है,
यही सबसे बड़ी नेमत है यार, हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों आप खुद की नेगेटिविटी का एग्जिबिशन करोगे? क्यों? जब हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे रीड करता है, फिर वो लॉक हो जाते हैं थॉट, और फिर तो जब भी ऐसा कुछ होगा अगेन आप यही कहोगे, मैंने बोला था ना जिया, देखो मैंने बोला था ना मेरा बुरा वक्त चल रहा है, भैया तुमने इन्वाइट किया इन सब चीजों को, तुम्हारे सारे ग्रह भी अपनी अपनी जगह पे सेट होंगे ना, फिर भी तुम्हें बुरा ही दिखेगा, उसमें भी तुम निकालोगे, देखो अभी राहु ऐसा है ना, अरे यार छोड़ दो, लीव इट। वो ऊपर वाला सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, सबका अपना एक टाइम जोन है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स और किरदार है, बस आपको हर एक लेवल पे हर एक चैलेंजेस के साथ रेडी रहना है। कुछ चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में हम पहले पढ़ते थे फिर एग्जाम्स हमारी ली जाती थी, जिंदगी है ये, पहले परीक्षा देनी पड़ेगी फिर जाके हमें सबक समझ में आएगा। सो कहने का मतलब है स्टॉप डूइंग ऑल दिस नेगेटिव टॉक, अच्छी बातें करो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो लोग खुद से बातें करते हैं ना वो बड़े धनी होते हैं, वही लोग जीनियस होते हैं, जब वो खुद से बातें करते हैं तो वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनकी क्लैरिटी बड़ी क्लियर होती है, उनको पता है कि लाइफ में उनको क्या करना है। सो जैसे आप खुद के साथ बिहेव करोगे बिल्कुल आप वैसे ही बनोगे। सो अभी से बी वेरी वेरी केयरफुल। जिम में और डांस क्लासेस में आप अक्सर देखना, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जब भी हम डांस करते हैं और जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे सामने आईना होता है, मिरर होता है। क्यों होता है? कभी पता चला है आपको कि जब हम डांस करने जाते हैं तो सामने मिरर क्यों होता है? जब जिम करते हैं तो हम क्यों अपने आप को देखते हैं एक्सरसाइज करते वक्त? हमें अच्छा फील होता है कि ओके फाइन, मुझे एक एनर्जी मिल रही है, इसीलिए जिम और डांस क्लास में सामने मिरर होता है। वो भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टॉक है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया। आज के बाद कभी भी अपने आप को ऐसा मत बोलना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, मेरा रंग ही ऐसा है। नहीं यार, तुम बड़े ब्लेस हो कि तुम्हारे पास ये विचार शक्ति है। सोचो वो लोग जो इतना भी नहीं समझ में आता उनको और नहीं समझ पाते ना सोच पाते। सो प्लीज अपने आप को लकी फील करो एंड सेल्फ टॉक करो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें करो, खुद से बातें करते रहना अच्छा है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा वो भी जरूर बताना, बातें लिख के जिया को। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।